आपने देखा होगा कि दांतों के अंदर से छोटे छोटे से टुकड़े होकर के गिरने लगते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि कैल्शियम की कमी आ रही है। कई बार नाखूनों की ग्रोथ रुक जाती है और नाखून बिल्कुल छोटे छोटे से होकर के टूटने लगते हैं। जैसे उनकी लंबाई बढ़ेगी और वो टूटने लग जाएंगे, उनका शेप बिगड़ने लग जाएगा या फिर वो कमजोर से दिखाई देंगे। कैल्शियम की कमी आ रही है। हाथ पैरों के अंदर दर्द महसूस होने लग जाएगा, हड्डियों के अंदर दर्द महसूस होने लग जाएगा, घुटनों में, एड़ियों में, कहीं पर भी जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएगा। यह आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि आज यहाँ दर्द हो रहा है या फिर कहीं पर आपको दर्द महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी आ रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, या तो कोई ऐसा सप्लीमेंट लेकर के उसकी कमी को दूर करते हैं या फिर कोई मसाज करके उससे आप अपने हड्डियों के दर्द को बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप इसे बारीकी से समझे कि आपके शरीर के अंदर दांत टूट रहे हैं, नाखून की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके शरीर के अंदर चमक नहीं है, आपके हड्डियों के अंदर दर्द रहता है, इसको समझने के लिए कैल्शियम को हम कई तरह से ले सकते हैं, वह बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर कोई महिलाएं और कोई पुरुष है रोजाना अगर इन दो चीजों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करता है तो कैल्शियम की कमी उनके शरीर में कभी नहीं आती। यह बिल्कुल 100% ऐसा नुस्खा है जिसको कि अपनी डाइट के अंदर रोज शामिल करना है। मैं तो कहती हूँ कि 15 साल का जैसे ही कोई बच्चा हो जाता है उसके बाद से अगर इन दो चीजों को रोज खाने लग जाता है तो उसकी उम्र में कभी भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि दांतों में या फिर नाखूनों में तो आपकी कैल्शियम की कमी फिर कभी नहीं आएगी। सिर्फ इन दो चीजों को अपनी डाइट में शामिल करिए। बात करी जाए तो गांव के अंदर प्राचीन टाइम पर क्या होता था, अगर किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर कमी आती थी जैसे कैल्शियम की कमी आ रही है तो लोग क्या करते थे, गाय का दूध पीते थे। गाय का दूध जो कि बिल्कुल देसी गाय का होता था तो वह ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे तो दूध भी बिल्कुल सही क्वालिटी का नहीं आता है, जिसकी वजह से हमें पता तक नहीं चलता है कि हम कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं या फिर शरीर में रोगों को और पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से किसी विटामिन्स की कमी होती है तो वो धूप में बैठते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। कुछ बीज खाते थे तो उसमें भी काफी सारे न्यूट्रिशन होने के कारण विटामिन्स की कमी दूर हो जाती है। लेकिन आजकल इन सब चीजों को बिल्कुल परहेज किया जा रहा है क्योंकि ना तो धूप मिलती है, ना कोई बीज खाना पसंद करता है, ना ही ऐसा देसी गाय का दूध बिल्कुल नेचुरल मिलता है। तो कैल्शियम की कमी शरीर के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देती है जिसकी वजह से शरीर में काफी सारे रोग आने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं के अंदर दिक्कत होती है कि उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है और एड़ी के अंदर दर्द होता है और वह काफी तेज दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर महिलाएं, पुरुष है, बच्चे हैं, आप बस इन दो चीजों को खाना शुरू करें। पहली चीज है कि आप कभी भी दिन भर के अंदर खाना खा ले या कभी भी जब भी आपका मन करे एक चम्मच अगर आपने सफेद तिल को अच्छे से चबा चबा कर खा लिया तो आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, उससे विटामिन्स मिलेंगे और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी आएगी भी नहीं। लेकिन रोजाना इसे अपने डाइट के अंदर रखना है। जैसे बच्चे हैं तो खाना खा ले कभी भी खेलते हुए भी आप उनको एक चम्मच सफेद तिल दे सकते हैं खाने के लिए। अगर कोई महिला है तो उसे याद रखना है कि मुझे एक चम्मच तिल खाना है। कोई पुरुष है तो वो भी खाना खाने के बाद एक चम्मच तिल खा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती है और ना ही कैल्शियम की कमी आती है। तो अगर आप इस चीज को शामिल करते हैं अपने डाइट के अंदर तो फायदे आपको 8 से 10 दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यानी आपकी नाखूनों की चमक बढ़ने लग जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से होने लग जाएगी, आपकी दांत काफी अच्छे चमकीले दिखाई देने लग जाएंगे, हड्डी कमजोर हो चुकी है दांत की वह उससे वापस मजबूत होने लग जाएगी जिससे कि मसूड़े मजबूत होएंगे। तो रोज इसको खाली चबा चबा कर खाना है। सफेद तिल की अगर बात करी जाए तो ये काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट पौष्टिक तत्व से भरी हुई होती है, यानी इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, जैसे इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसे कभी भी एक चम्मच पूरे दिन भर के अंदर आपको खाना है जिससे कैल्शियम की कमी आना दूर हो जाएगी। इसी के साथ एक और ऐसी चीज है जिसको कि आपको रोज खाना है, वह है गेहूं। गेहूं को आपको क्या करना है, रात को अच्छे से पानी से धो करके और उनको आप भिगो दीजिए, फिर सुबह उनको अंकुरित कर लीजिए। इस तरह से अगर एक मुट्ठी अंकुरित अगर गेहूं अगर आप कोई व्यक्ति खाने लगता है तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती। इसे आपको क्या करना है, गेहूं वाले अंकुरित अनाज को 15 दिन तक लगातार ले सकते हैं, फिर 15 दिन छोड़ सकते हैं। आप इसे लेना शुरू करेंगे कैल्शियम की
कमी दूर होगी। यह हाई फाइबर युक्त होने के कारण पाचन तंत्र को बिल्कुल मजबूत बनाएगा, खून की कमी को दूर करेगा, इससे प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। तो इस तरह इसमें काफी सारे न्यूट्रिशन होने के कारण इसे भी आपको सिर्फ एक मुट्ठी भरकर के खाना है। इसे किसी प्रकार का छोक नहीं लगाना है, इसे किसी प्रकार का आप चिरेड़ा टाइप बनाते हैं ऐसा नहीं बनाना है। इसे नेचुरली गेहूं को आपको अंकुरित करना है और एक मुट्ठी भरकर खाना शुरू करना है। अगर आपकी हड्डियों के अंदर बहुत तेज दर्द होता है तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आप फर्क देखेंगे। अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा टूटते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखेगा। और अगर आपके दांतों की हड्डियां कमजोर हो चुकी है तो उसमें भी आपको फर्क लगेगा। गेहूं जो होता है वो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, और अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आ रही होती है तो उसको नेचुरल ठीक करता है। हाई कैल्शियम होने के कारण हमारे कैल्शियम की कमी को दूर करता है, बोन्स को मजबूत करता है, पित्त संबंधित रोगों पर काम करता है। जैसे पित्त संबंधित रोग के अंदर पेट की जलन होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, खाना नहीं पचता है, तो इस सब चीजों पर भी काम करता है। तो गेहूं को अंकुरित करके खाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इससे पाचन मजबूत बन जाएगा और पाचन मजबूत हो जाएगा तो ना तो पित्त संबंधित रोग होंगे ना ही वात संबंधित रोग होंगे, यानी वात और पित्त दोनों पर तो बहुत ही ज्यादा काम करेगा। तो दोनों चीज को अपनी डाइट के अंदर रखनी है, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं भी खाएंगे तो भी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को आप पूरा कर सकेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द है, आपके बोन्स काफी कमजोर हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, रोजाना मसाज लेनी है, वह भी लहसुन के तेल से। अगर आप लहसुन को तेल को थोड़ी सी देर लगा करके अच्छे से मसाज करते हैं तो जॉइंट्स में दर्द हो रहे होते हैं उसमें आराम मिलता है और आपके शरीर का वात रोग बिल्कुल कंट्रोल रहने लगता है। तो इसको आपको जरूर करना चाहिए। मसाज लेने के बाद आप थोड़ी सी देर अगर धूप निकलती है तो धूप के अंदर भी बैठिए, जिससे भी विटामिन की कमी दूर होगी, कैल्शियम की कमी दूर होगी। गाय अगर आपको मिल जाती है देसी गाय तो उसका दूध आप लेंगे तो फिर आपके कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो सकती है। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें फैट ज्यादा होता है, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है, थायराइड की दिक्कत होने लगती है, अपाचन यानी पाचन बिगड़ने लगता है। लेकिन अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो पतला होने के साथ में ही पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, बहुत सारी बीमारियों को नेचुरली ठीक करता है और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इसीलिए अगर गाय का दूध महंगा भी मिलता है तो उसको आप खरीद सकते हैं, उसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की काफी ज्यादा कमी है तो बस इन दो चीजों को अपनी डाइट के अंदर रोज रखिए। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की रेमेडी करते हैं या कोई सा भी नेचुरल उपाय अगर हम अपनाते हैं तो आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, जिसमें अचार का सेवन नहीं करना है, तला हुआ जंक फूड पैकेट वाले आइटम नहीं खाने। अगर आपने ध्यान रखा तो सारे के सारे रेमेडी, सारे के सारे न्यूट्रिशन वाली चीजें अगर आप खाते हैं तो फायदा पहुंचाती है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।